बिस्मिल्लामी हमें क्या करना चाहिए ये जो खबरें हम तक आती हैं चाहे दाखिली या खारिजी इनमें हमें क्या करना चाहिए हमने ऐसा क्या किया है जो इन चीजों यानी फितनों का शिकार हो गए हैं इस बात को जरूर सोचें कि आखिर हमने ऐसा क्या काम किया है जो यूं बेसरपरस्त रह गए हैं यानी इमाम जमाना से दूर हमारी मुश्किल यानी मुसीबत की वजह ये है कि ना तो हमने अपनी इसलाह की है और ना कर रहे हैं और ना ही कभी करेंगे हम अपनी इसलाह के लिए तैयार नहीं हैं अगर हम अपनी इसलाह यानी तरबियत कर लेते तो इन बलाओं और फितनों में मुब्तला न होते रसूल आया तुमको तुम्हारी बीमारी और दवा के बारे में न बताऊं। तुम्हारी बीमारी तुम्हारा गुनाह और उसकी दवा अस्त रहे हम चाहते हैं कि जो हमारा दिल चाहे वो करे अपने साथ लेकिन दूसरों को हरगिज़ ये हक नहीं कि हमारी शान में कोई गुस्ताखी करें हम अपने साथ रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जैसा चाहे बर्ताव करें लेकिन दुश्मन को ये हक नहीं है कि हमारे साथ कुछ बुरा करे अगर हम खुद को दुरुस्त कर लें तो खुदा काफी है खुदा हादी है हम खुद को दुरुस्त भी नहीं करना चाहते और तकलीफों से भी दूर रहना चाहते हैं जिनकी सरिश्त तबीयत में दूसरों को अजियत पहुंचाना है उनसे एक हाफिज यानी अल्लाह बचाने वाला है वो अपने में काम में, 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 में मसरूफ है हम अगर खुद सही रास्ते पर होते और उसी रास्ते पर चल रहे होते तो फिर कौन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को शहीद करता कौन हुसैन इब्ने अली को शहीद कर सकता था कौन हजार साल से इमाम जमाना को मकदूलतुल यदैन जाहिर बे अख्तियार करना यानी हाथ बांधना कर सकता था हम तो खुद अपनी असलाह के लिए हाजिर नहीं है अगर हम अपने आप को सही कर ले अपनी इसलाह कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता सारी बशरियत की असलाह हो जाएगी हम चाहते हैं कि जब हमारा दिल चाहे तो झूठ बोले लेकिन किसी को हमसे झूठ बोलने का हक हासिल नहीं है हम अपने दोस्तों और नेक लोगों को तो तकलीफ पहुंचाएं, लेकिन कोई हमें हरगिस तकलीफ न पहुंचाए अजीज तो तुम खुदा के साथ तो बना लो काम तो तो को खुद सही कर देगा क्यों अपनी खिलवत और चलवत में मखफी और आशकार चाहता है कर बैठते हो क्या खुदा ने नहीं कहा जो खुदा से डरे खुदा उसको मुश्किलात मुसीबतों से निकाल लेता है उसको वहां से रिस्क पहुंचाता है जहां उसे गुमान भी नहीं होता जो भी खुदा पर तबक्कल करे खुदा उसके लिए काफी है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद खुदा ना बन बैठे यानी अपने ऊपर इतमाद और तकिया करें बल्कि खुदा हर जुजी कुल्ली कामों में दाखिली और खारजी मसाइल में खुदा हमारा यार मददगार बन जाए बस दुनियावी और उखरवी दाखिली और खारजी बलाओं और मुसीबतों से बचने का कोई चाराकार नहीं सिवाय इसके हम खुदा वाले बन जाएं खुदा के साथ और जो खुदा के हुजूर रहने वाले हैं उनके साथ रहें और उनकी हमराही में चलें और उनकी इताअत करें हम जिस वक्त भी अंबिया और औसिया से दूर हो जाएंगे दाखिली और खारजी भेड़िए यानी दुश्मन दीन और इंसानियत हमको खा जाएंगे अगर हम खुदा तरस होते फकत खुदा का खौफ रखते तो जो हमें हर गिज नहीं पहचानते कि हम क्या कर रहे हैं हमसे डरते और खौफ खाते वो डरते कि कहीं हम उन पर गजब नाक ना हो जाए क्योंकि इसलिए कि उस वक्त हमारा गजब खुदा का गजब होता अगर हम खुदा के साथ होते इमाम हुसैन अम से जिन्ना ने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो एक लम्हे में दुश्मन को नीस तो नाबूद कर दें इमाम हुसैन ने जवाब दिया खुद खुदा की कसम मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से कहीं ज्यादा है जिसको इसमें आजम आता है लेकिन अगर हम शहीद न किए जाएं, तो ये लोग किस चीज से आजमाए जाएंगे तो फिर इनका इम्तिहान कैसे होगा दुनिया दारे इम्तिहान है आपको अपनी असलाह तरबियत की फिक्र होनी चाहिए खुदा और तुम्हारे दरमियान कोई रुकावट हायल न हो अगर आपने अपने और खुदा के दरमियान हायल रुकावटों बजब और बजब पर्दों को हटा दिया यानी सही कर लिया और अपना और खुदा का राबिता और अंबिया और उनके ओसिया के साथ बना लिया तो खुदा नहीं। नहीं। आपके और मखलूकत के मामलात को खुद दुरुस्त कर देगा नी नी। ये सब हमारे अपने कामों का नतीजा ही है तो तो कि आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं वरना फिर क्यों मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है जब मुसलमान आपस में दुश्मन हैं, तो ये तो छोड़ दें कि गैर मुसलमान मुसलमान के साथ दुश्मनी ना करे ऐसा क्यों है हम देख रहे हैं ये सब हमारे करतूतों का नतीजा ही है हमें अपने किए पर तोबा करनी चाहिए तजरों सारी करें अल्लाह की तरफ जाएं ताकि खुदा हमको पहले हमारे अपने शर से निजात दे और दाखिल शुरूर से निजात दे उसके बाद खारजी बैरूनी शर से निजात दे हदीस में है कि तुम्हारा बदतरीन दुश्मन सबसे बड़ा तुम्हारे पहलू में रहने वाला नफ्स है ये शहवात बेमौका गजब सब शैतान के लश्कर हैं ये इंसान के अपने अंदर कुफार का लश्कर हैं। बिलाखिर अब जबकि हमारे ही हाथों मामला यहां तक आ पहुंचा है हमें मालूम है कि इसका इलाज और दवा अस्तगफार है क्या करते हैं हम अस्तगफार जान लो कि सिवाय खुदा के हुजूर उसी की तरफ पलटने के कोई और राह हल नहीं है अगर हम खुदा की तरफ नहीं पलटे और हमारी राह की रुकावटें भी दूर हो गईं तो वो वक्ती तौर पर होंगी हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि तमाम मराहिल में हमारा इलाज अपने नफ्स की असलाह है और हम हर गिस भी इस इलाज से बेन्याज नहीं हो सकते हैं इसके बगैर हमारा काम मुकम्मल नहीं हो सकता इस बात का एतराफ करने के बाद जो कुछ है वो हमारे अपने अमल का नतीजा है जब तक हम अपनी असलाह न कर लें। खुदा और उसके, उसके नुमाइंदों तो के साथ रहा बरकरार ना कर ले हमारा कोई काम भी सही नहीं हो सकता जब तक हमारा रबी इमाम के साथ मोहकम और मजबूत ना हुआ उस वक्त तक काम सही नहीं हो सकता आया इसके बगैर इसलाह नफ्स के हमारा काम सही हो सकता है क्या जब तक दुनिया में राशि और मुर्तशी है उस वक्त तक कोई मामला सही हो सकता है महाल है जिस मुल्क में रिश्वत लेने वाला देने वाला वासित और ऐसे अफराद हों वहां कोई काम सही हो जाए बिल हमें अपनी इसलाह करनी चाहिए मगर ईरान को शाह को रिश्वत में नहीं दिया था ताकि उनका नौकर बन जाए क्या मुस्तफा कमाल को तुर्की ने इस शर्त पर रिश्वत में नहीं दिया था कि कुफार की नौकरी करे और उनको नवाजता रहे हिजाज को उसी तरह रिश्वत में नहीं दिया कि फुला की जगह तुम्हें ले आते हैं ताकि जो हम चाहें वो हमें करने दो। यही है ये ही हमारा काम है क्या वो दुश्मन जहन्नुम से आए हैं और हम जन्नत से हमें अपने आप से डरना चाहिए खुदा का शुक्र एन है कि अभी तक हमारे साथ तरहा ऐसा तरहा कुछ पेश नहीं आया कि हमें उस चीज की पेश की पेशकश जाए जिसका हमने कभी ख्वाब भी न देखा हो हमसे दुगना वसूल करना भी जानते हैं मुमकिन नहीं है कि नफ्स की असलाह के बगैर माशरे के लिए कोई काम कर सके वरना वही आधे रास्ते के हमरा ही रहेंगे बस हमें क्या करना चाहिए वही जो बताया जा चुका है इसलाहे नफ्स तज नफ्स के अमल को नहीं छोड़ा जा सकता हमारी इसलाह किस चीज में है अपने गलत कामों को छोड़ने और उनसे बाज आने में है खारजियों बेगानों मखसूसन अमरीका और यूरोप से रवाबित बनाने के चक्कर में है वो भी ऐसा रहा जिसमें उनका फायदा है और हमारा फायदा नहीं है इस वाजे और रोशन प्रौन कुरान प्रौन के साथ सही कि अगर दीवार के कान होते तो वो भी हमारी इन किताबों की बातों की तस्दीक करते ना ना और हमारे साथ हो जाते तो फिर क्या हो गया है कि इन अजीम खजानों के रखने के बावजूद हम चंद वैशियों अमेरिका और यूरोप हैवानों और दरिंदों के आगे अपना हाथ फैलाते हैं वो हमें कुछ कर्ज दे, दे दें कि वो काम है जो हमने खुद किए हैं ये हिकमत के खिलाफ है। इसके बाद ऐसा हरगिज़ ना करें अपने आप को पहचानिए अपने दाखिली दुश्मनों को पहचानिए और उनकी कारस्तानियों से उन्हें रोके दोस्त और दुश्मनों की पहचान पैदा करें दूसरों को बताएं कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है अपने उमूर को उसके हवाले न करें जिसको पहचानते न हों। जिसे पहचानते नहीं उसकी हमराही न करें अपने चारों तरफ की हिफाजत करें क्योंकि दुश्मन खुद तो नहीं आता बल्कि आपके दोस्तों के जरिए ही आप तक पहुंचता है हमारे अपने अंदर कोई अख्तिलाफ ना हो इससे ज्यादा अंदरूनी हालात खराब ना हो कि दुश्मन इस्तीफा कर सके ये एक बात दूसरे ये कि अपनी तनहाई और खिलवत में खुदा के साथ तोबा के नमाज राज न्यास करते रहें मखसूस दुआ इलाही अजमुल बला को पढ़ा करें और खुदा से यही दुआ करें कि साहिबिल अमर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के में ताजील करें हम उनके साथ ज अगर खुदा ने उनको हम तक पहुंचा दिया यानी जहूर हो गया तो क्या कहिए लेकिन अगर वो नहीं भी आए तो कम से कम हम उनसे दूर ना हो जाएं और उनकी खुशनुदी और उनकी रिजा से तो दूर तो ना निकल जाए वो देख रहे हैं वो जानते हैं जो बातें हम आपस में करते हैं वो हमारे होठों से निकलने से पहले उसे सुन लेते हैं हता हमारी वो बात जो हम करते हैं वो जुबान से निकलकर कानों तक का एक फासला तय करती है अलैहिस्सलाम फ़ासला तय होने से कबल हमारी बात को हमसे पहले सुन लेते हैं तो क्या मुमकिन है कि हम कोई ऐसा काम करें जिसका इमाम को तो पता न चल सके क्या हम, वाँग। वाँग। हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि उन्हें इसका इल्म न हो दो बुधाईयों, दो बुद्धिस्ट मर्द औरत ने आपस में तय किया कि फुला बुरा काम अंजाम देंगे तय पाया कि एक ऐसा घर ढूंढें जहां कोई देखने वाला ना हो आखिरकार एक ऐसा घर मिल गया उसमें भी दोनों ने सोचा कि ऐसा कमरा तलाश करते हैं कि बिलफर्श अगर कोई घर में आ भी जाए तो उस कमरे तक ना पहुंच पाए आखिरकार एक कमरा ऐसा मिला दोनों उसमें गुनाह के लिए तैयार हो गए इतने में उनमें से एक की निगाह एक मुजस्मे और बुत पर पड़ी उसने जल्दी से उठकर उस पर कपड़ा डाल दिया कि कहीं वो बुद्ध यानी उनका खुदा उन्हें देखना ले यानी वो झूठा खुदा ना देख पाए कि हम क्या कर रहे हैं लेकिन क्या हम अपने हकीकी खुदा से अपने कामों को मखफी रख सकते हैं हम हरगिज भी अपने अमाल को खुदा से मखफी नहीं रख सकते वो कादिर है नाजिर देखने वाला है अलीम है हकीम फुलादी है।, फुलादी है हम जब तक उससे न बनाए हमारा काम यानी हमारी असलाह नहीं हो सकती बस फिर क्या करें हमें चाहिए कि पहले खुद अपने आप नफ्स के हीले बहाने से डरे क्यों इसलिए कि हमें मालूम नहीं कि आने वाला कल कयामत हमारे अमल का क्या नतीजा निकालेगा हमें अपने आप से अपनी हिफाजत करनी है कहीं खुद अपने आप से अखवान हो जाए जब ये सारी बातें हम पर आया हो जाएं। तो फिर अपनी खिलवत तो तन्हाई में खुदा तो और तो था था था। अपने दरमियान खुदा से दुआ तो तो तौबा की तोफीक तलब करने में कोताही ना बरते खुदा से दुआ करते हैं कि अपने अंबिया औसिया मखसूसन वसी हाजिर वसी हाजिर इमाम जमाना सलाम जो कि आरिफों के सामने हाजिर हैं उनके वास्ते से हमको खुदा वाला होने से मुनहरिफ न होने दे हमको बसीरत और बीनाई अता कर दे ताकि हम खुद शनास बन जाएं। दोस्तों और अपनों को पहचाने खुदा वाले लोगों को पहचाने तो जो उनके खिलाफ और मुकाबिल हैं वो भी पहचान लिए जाएंगे असलकुम वरह वक्त